नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने दुबई ड्राई फ्रूट्स नाम पर व्यापारियों से ठगी करने वाले गैंग के दो शातिर वांछित ठगों को किया गिरफ्तार, जो दोबारा गुरुग्राम में फर्जी कंपनी बना के व्यापारियों से ठगी कर रहे थे। पुलिस को इनके पास से भारी मात्रा में चावल, दाल और मसाले बरामद हुए हैं। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों अभियुक्त बड़े ही शातिर किस्म के ठग हैं, जो दुबई ड्राई फ्रूट्स के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त आकाशदीप ने पूछताछ में बताया कि वो बीते 2019 में श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी में काम करता था, जिसमें मुझे पता चला कि कंपनी में व्यापारियों के साथ ठगी की जा रही है। व्यापारियों से चावल और मसाले खरीदने के नाम पर फर्जी चेक पकड़ाया जा रहा है, जिसके बाद मैंने कंपनी के मालिक राजीव से बात की। उसने बताया कि हम व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, फर्जी कागजों से कंपनी बनाते हैं। अगर देनदारी पूरी हो जाती है तो कंपनी बंद करके दूसरी कंपनी खोल लेते हैं। अगर चुपचाप हमारे साथ काम करोगे तो फायदे में रहोगे। हम लोग भी लालच में काम करने लगे। जब श्री श्याम ट्रेडिंग पर व्यापारियों की देनदारी ज्यादा हो गई तो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद दूसरी कंपनी कुछ दिनों बाद दुबई ड्राई फ्रूट्स नोएडा में खोल ली गई, जिसमें हम दोबारा काम करने लगे। जैसे ही दुबई ड्राई फ्रूट्स पर देनदारी बढ़ी तो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद कई व्यापारियों ने केस कर दिया। हमें भी पता चला कि हमारे ऊपर नोएडा में और पंजाब में केस हो गया है, जिसके बाद हम अंडरग्राउंड हो गए। जिसके बाद श्री श्याम ट्रेडिंग के मालिकों ने दोबारा गुरुग्राम में कंपनी खोल के व्यापारियों से धोखाधड़ी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।